चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी लिनोवो के जनवरी 2014 में मोटोरोला मोबिलिटी खरीदने के बाद से मार्केट में मोटोरोला ने मोटो जी, मोटो ई, मोटो जीएस, मोटो ईएस जैसे सीरीज के अपने कई स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें से कई फोन तो काफी बेहतरीन हैं। हम बात करेंगे मोटो के उन दो स्मार्टफोन के बारे में जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, मोटो जी 5S प्लस और मोटो जी प्लस। इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेहतर है। आपको बता दें मोटो जी 5S प्लस मोटो जी 5 प्लस का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। दोनों फोन के फीचर्स की बात की जाए तो मोटो जी 5S प्लस में 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, तो मोटो जी 5 प्लस 5.2 इंच फुल HD IPS LED डिस्प्ले के साथ आता है। सुरक्षा के लिहाज से दोनों फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। मोटो जी 5S प्लस में 2.0 GHz ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है, वहीं मोटो जी 5 प्लस में 2 GHz स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। स्टोरेज पर नजर डाला जाए तो दोनों ही फोन 3GB और 4GB वेरिएंट में आते हैं। मोटो जी 5S प्लस में इंटरनल मेमोरी 32GB और 64GB दी गई है, तो मोटो जी 5 प्लस 16GB और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। दोनों ही फोन को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो मोटो जी 5S प्लस में 13MP का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो कि इसकी खासियत है। दोनों ही कैमरे F2.0 LED फ्लैश के साथ आते हैं और वीडियो चैट के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वहीं मोटो G5 में 12MP का दी मोस्ट एडवांस्ड रियर कैमरा है, जो डुअल ऑटो फोकस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग अपर्चर F1.7 और डुअल LED फ्लैश के साथ आता है और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। मोटो जी 5S प्लस और मोटो जी 5 प्लस इन दोनों ही स्मार्टफोन को 3000mAh की बैटरी पावर देने का काम करती है। साथ ही दोनों फोन टर्बो चार्जिंग जैसे फैसिलिटी के साथ आते हैं। दोनों ही फोन को मेटल बॉडी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।